हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू अनदर व्लॉग वीडियो। हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे, तुम्हारा भाई भी बहुत बढ़िया है। गाइस, सबसे पहले आज आप सभी को पता है कि आज जन्माष्टमी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और ये देखिए, ये गुब्बारे फुला रहा है और तुम्हारा भाई नहा दोगे चेक पेक रेडी। गाइज, हमने हमारे कृष्ण जी भी लगा दिए हैं और ये देखिए, आपको दिखाता हूँ। ये हमारे कृष्ण जी हैं और कृष्ण जी के लिए मिठाइयाँ रेडी हो चुकी हैं। ये गुब्बारे फुलाए जा रहे हैं और अब टाइम हुआ है 2:08। अब जाते हैं हम खाना खाने। गाइज, आज हमें जाना है अम्बाला और अम्बाला का मैं आपको बहुत बढ़िया व्लॉग दिखाऊंगा। और मेन तो हम दुकान के काम से अम्बाला जा रहे हैं और मैं आपसे अब, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल देहरादून से अभी आके खड़ा हुआ हूँ और देहरादून का व्लॉग मैं इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि बहुत जल्दी थी और फैमिली वालों के साथ गया था तो व्लॉग बना नहीं पाया। और बाकी मैं आपसे मिलता हूँ खाना खाने के बाद। गाइज, कमेंट में बताना हमारे राधे कृष्ण भगवान कैसे लग रहे हैं नए नए कपड़ों में। ये इनके लिए भोग का सामान और ये मक्खन। तो गाइस, फाइनली अम्बाला निकलने की तैयारी हो चुकी है और एडी मेरे साथ जा रहा है और एडी आ रहा है। इतने 2 मिनट में गाड़ी मोड़ लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। हम सहारनपुर से अम्बाला के लिए निकल चुके हैं और एडी आ चुका है। इसकी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रही है और अभी हम सरसावा पहुँच चुके हैं। मौसम इतना बेकार हो रहा है, गर्मी हुई बार बहुत ज़्यादा, हवा चल नहीं रही। और देखो, आपको दिखाता हूँ कैसा मौसम हो रहा है। देखिए गाइस, ये धूप आ रखी बहुत गंदी। अब सरसावा पहुँच गए, अब यहाँ से 1.5 घंटे के करीब और लगना है हमें अम्बाला पहुँचने के लिए। गाइस, अभी मैं सरसावा में पहुँच गया और सरसावा में थोड़ी भीड़ हो रही है तो अभी ड्राइविंग मैं ही कर रहा हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ हाईवे पे, ठीक है गाइस। गाइस, फाइनली हाईवे पे आ चुके हैं और अब एक और चीज़ है, इस चीज़ को देखने में आपको मज़ा आएगा। अब हम टोल वालों का पागल बनाने वाले और हम टोल देंगे नहीं, साइड में से निकल जाएंगे क्योंकि वीआईपी गाड़ी है। वीआईपी गाड़ी रुकती थोड़ी ना है, देसी आदमी है, कहीं से भी निकल जाएंगे। ये देखो, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए गाइस, अब हम टोल देंगे नहीं, साइड में से निकल जाएंगे पागल बना के उसका। जाने दियो, देख देसी आदमी है, बेइज्जती ना करिए भाई। उस्ताद उस्ताद तो सो रहा, उस्ताद बेइज्जती कर दे, बेइज्जती ना कर दिए भाई, देसी आदमी है एक करके। है मेरी जान ने जाने दे दिया भाई। देखा गाइस, मजा आया देख के। आज हमने काट दिया टोल वालों का पागल तगड़े वाला। अब हम निकल चुके फाइनली अम्बाला के लिए। थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुके थे हम और ये यमुनानगर वाला हाईवे है और आप देखिए मेरे पीछे व्यू कितना प्यारा आ रहा है। ये यमुना वैली है और ये यमुनानगर वाला हाईवे है और ये देखिए, बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, हवा इतनी प्यारी चल रही है यहाँ पे। ये नीचे लोग नहा रहे हैं और ये हाईवे, ये अपनी गाड़ी खड़ी है वीआईपी। देखा है जैसा आपने, ये टोल देते नहीं और ये डंगर अंदर ही बैठा है। रेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, अब यहाँ से निकलते हैं फिर, नहीं तो आगे जाने के लिए हम लेट हो जाएंगे। भाई पहन रहा भाई, सीट बेल्ट पहन रहा, दिक्कत नहीं है। ये पीछे पड़ गया बार बार सीट बेल्ट पहनने के लिए, इससे ज़्यादा तकलीफ हो रही। चलो गाइस, मिलता हूँ आपको आधे।
गाइस हम बलराम पहुंच चुके हैं और हमें एक अंकल से मिलना है दुकान के मामले में किसी। और मैं आपसे अभी तो हमें अम्बाला कैंटे जाना है ना, हमें अम्बाला कैंटे जाना है बेसिकली। और अभी हम अम्बाला पहुंचे, अम्बाला कैंटे यहाँ से लगभग 12-13 किलोमीटर के करीब है। और यहाँ मौसम ऐसे ही हो रहा, धूप यहाँ सालपुर से भी ज़्यादा गर्मी है। और मैं आपसे मिलता हूँ अंकल से मिलने के बाद। गाइस हमारा सारा काम हो चुका है, अब हम फाइनली सहारनपुर के लिए निकल चुके हैं। और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई गाड़ी चला चला के, कमर इतनी दर्द हो रही है। और आप पीछे का व्यू देखिए गाइस, बारिश वाला मौसम हो रहा है और इतना बढ़िया लग रहा है। और अब आज गाइस जैसे कि आप सभी को पता है जन्माष्टमी है, और आज मंदिर भी जाएंगे हम, और आपको आज मंदिर का दिखाऊँगा सहारनपुर के कि मंदिर कैसे सस्ते हैं, छोटी छोटी झांकियाँ लगती हैं वहाँ पर कृष्ण जी की। और बाकी आपको मिलता हूँ मैं सहारनपुर, थोड़ा रेस्ट कर लूँ फिर यहाँ से गाड़ी चला के ब्लॉगिंग होनी पाई बिल्कुल भी। और अब मिलता हूँ मैं सीधा आपसे घर। फाइनली मैं अब घर आ चुका हूँ, हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही कि इतना थक गया ना गाड़ी चला चला के, कमर बिल्कुल धोखा दे दिया, बुढ़ा बन गया बिल्कुल। तो गाइस 8 बज चुके हैं और 8:30 तक मंदिर जाना है, इतने आधा घंटा मैं रेस्ट कर लेता हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ मंदिर में। Thank you.